हमारे पिताश्री ने हमें जितने भी शास्त्र पढ़ा है उन एक शास्त्र में ऐसे नहीं था कि कुआं खोद कर कुछ सिखा जा सकता है। और यह गुरुवर का आदेश है कि कुआं खोदो। इतने समय में हमें कितने श्लोक याद हो जाएंगे, कितने पाठ समझ में आ जाएंगे, पर नहीं, कुआं खोदो। हमने खोदने वाले एक कुआं। जब हमें पता ही है कि हम ये साधारण मजदूरी के काम से कुछ श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, तो हम ये श्रमिकों वाला काम क्यों करें? हमें लगता है इनको कुश्ती आती ही नहीं, इसके लिए बेकार कामों में हमें उलझा रहे हैं। हम भी ये गुरुकुल आके कुआं नहीं खोदने वाले, हम भी ये काम नहीं कर रहे। गुरुजी ने हमें कुआं खोदने को कहा, पहले तो उन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी, जिसके कारण हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। हमें तो लगता है कुआं खोदने की बात तो दूर, हमारे हाथों किसी का सर ही कट जाएगा। हम नहीं खोदेंगे कुआं, चलिए। दादाजी, क्या आप भी काम करने के लिए तैयार हैं? आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है और गुरु को समर्पित जो शिष्य उसे अपने आचरण में ढाल देता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। भाई शक्ति, अभी तक हमने गुरुवर के सामने हमारी कोई भी क्षमता सिद्ध नहीं की है, इसीलिए उनके विवेक पर संदेह करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कुआं खोदेंगे। क्यों बाबूजी राज प्रताप, हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आप तो यहाँ भीगी बिल्ली निकले। मानसिंह, आज तक हमने जो भी किया शायद उसमें हमारी परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया होगा, इसलिए बीती सफलताओं का श्रेय ले लेकर हम खुद को शूरवीर नहीं मान सकते। आप क्या समझते बाबूजी राज, कि सबसे पहले खोदना आरंभ करके आप हमें भी विवश कर लेंगे खोदने के लिए? आप मेवाड़ के राजकुमार होंगे, अपने लिए हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम नहीं खोदेंगे कुआं। देखो, यहाँ पर सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि गुरुजी ने हमें जो कार्य करने के लिए कहा है बस हम वही करें। हम बताएं, बाबूराज अकेले कुआं के खोद रहे हैं क्योंकि इन्हें गुरु का प्रिय शिष्य बनना। बात तो आप सही कह रहे हैं चक्रपाणी, जब से हमने गुरुकुल में प्रवेश लिया है हमें बहुत दंड मिल चुके हैं और अब और दंड लेने की इच्छा नहीं है हमारी, और क्या पता गुरुवर ने जैसा कहा है वैसा करने से वे हमसे प्रसन्न होकर हमें धनुर्विद्या सिखा दे अलग से। करो मिया, अभी तो इंतखाबी पहली पायदान है, क्या इसे भी मार डालोगे? बख्श तो इसे। कुछ खाकसार को अहमद कहते हैं, मैं यहाँ दंगल के इंतखाबी इंतजामिया कामकाज देखता। माशाल्लाह, मैंने आज तक किसी पहलवान का इतना खूबसूरत मजबूत बदन पहले कभी नहीं देखा, पर लगता है इस बार लक्ष्मण दंगल की रौनक बढ़ाकर ही दम लोगे। तो फिर चले मेवाड़? अभी भाई, अभी कुछ दिन और लगेंगे हमें मेवाड़ जाने, क्योंकि अभी हमें सारे राजपूताने से पहलवानों का इंतखाब करना बाकी है। तो फिर तब तक हम अकेले क्यों नहीं जा सकते मेवाड़? अरे भाई, मेवाड़ जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, कहीं कोई खास वक्त तो नहीं अपने दिल में बैठा कर रखा है? जी नहीं। अब आप सबने इतनी तारीफ की है मेवाड़ के बारे में, इसलिए हमने भाई सबर, सबर का फल मीठा होता है, और भाई हमारा मेवाड़ जो है
को सही कागजात के बिना अपनी सरजमीन पे किसी को दाखला नहीं देता है। भाई इस सूरत में तो तुम्हें हमारे साथ ही दाखला मिल सकता है। वेदास को देखो कितना गुस्सा, और जितना गुस्सा है उतना बल नहीं उनके शरीर में। यूरे चक्रपाणि आपका ची 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 कर रहे, दिखाए कितना बल है हमें। हाँ वेदास, खुद पर काबू रखो। गुरुवर, गुरुवर प्रताप, क्या लगता है आपको ये कुदाल, ये श्रम, खुदाई, ये बहुत ही साधारण है आपके अस्तित्व के लिए। गुरुजी, हम तो बस, हम तो क्या, कुछ देर के लिए हमारा ध्यान भटक गया था। भविष्य में दिए गए कार्य से आपका ध्यान ना भटके, इसीलिए आप सूर्यास्त के बाद भी खुदाई करते रहेंगे। जी गुरु। अपने साथियों के लिए नायक बनने का प्रयास छोड़ें, सत्य का साथी। आप हमें सत्य का बोध कराएं, हम आपको दंड से मुक्त कर देंगे। गुरुवर, जो अभी अभी हमने आपसे कहा है वही सच है। एक बात तो कहनी पड़ेगी रानी सा, बाऊजी राज प्रताप हैं बड़े भाग्यशाली जो उनको आप जैसी छोटी माँ मिली। कुंवर प्रताप है ही भाग्यशाली। दिन भर के श्रम के बाद कुंवर प्रताप को आश्रम का रूखा सूखा बेस्वाद खाना ना खाना पड़े, इसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें थोड़ा घी और डाल दो। जी। पर महारानी साहब, वहाँ गुरुकुल में छात्रों को बाहर के भोजन की अनुमति है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो इतना सारा भोजन भेज रहे हैं कुंवर प्रताप के। एक तरफ कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ का इतने प्यार से भेजा हुआ भोजन ना तो अस्वीकार सकते हैं, और दूसरी तरफ नियमों का पालन करने वाले आचार्य राघवेंद्र जी को पिछली बार से भी कड़ा दंड देने का अवसर बड़ी सरलता से मिल जाएगा। अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो। ठहरो। हमें याद ही नहीं रहा जीजा कि कुंवर प्रताप का खाना पहले आप चखते हैं। खोल जरा इसे, पहले जीजा चखेंगे। ये भोजन आश्रम में नहीं जाएगा। क्यों जीजा? क्योंकि प्रताप को आश्रम में आश्रम के नियमों का अनुसरण करना होगा। यदि आचार्य राघवेंद्र जी को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप के लिए राजमहल से विशेष भोजन आ रहा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आश्रम के नियमों को ना मानकर प्रताप उनका खुला अपमान कर रहे हैं। पर जीजा, कुंवर प्रताप राजकुमार है, वहां आश्रम का बेस्वाद भोजन थोड़ी ना खाएंगे। कल ही देर से आने के लिए दंड मिल चुका है प्रताप को, और हम नहीं चाहते कि आज फिर से उन्हें कोई नया दंड मिले और फिर से वे अपने गुरु की दृष्टि में गिरे। जीजा, कुंवर प्रताप पे थोड़ा हक हमारा भी तो बनता है, छोटी माँ है हम उनकी। और हम मेवाड़ की बड़ी महारानी, इस महल में वही होगा जिसकी हम अनुमति देंगे।